नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के CIA स्टाफ देहात पुलिस के कार्यालय के बाहर पार्किंग में गोली चलने से सब इंस्पेक्टर की हुई मौत, कार में बैठकर सरकारी पिस्तौल को कर रहा था साफ। जालंधर के मोहल्ला गोविंदगढ़ में अंगीठी से निकले धुएं के कारण एक महिला की हुई मौत, पति और दो बच्चों की हालत गंभीर। BSF और थाना खालड़ा पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान 515 ग्राम हेरोइन सहित ड्रोन किया बरामद। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के थाना डिवीजन नंबर 2 के अधीन आते CIA स्टाफ देहात पुलिस के कार्यालय के बाहर बनी पार्किंग में गोली चलने से सब इंस्पेक्टर की मौत होने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक देहात पुलिस का सब इंस्पेक्टर अपनी कार में बैठकर अपनी सरकारी पिस्टल को साफ कर रहा था। इसी दौरान अचानक चली गोली उसके सिर में लगी, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह निवासी भोगपुर के रूप में हुई है। वहीं थाना 2 के SHO गुरप्रीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने फिलहाल 174 की कार्रवाई करते हुए मृतक सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह का शव सिविल अस्पताल में भेज दिया है और पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मृतक सब इंस्पेक्टर की कार और सरकारी पिस्टल भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है और मृतक के परिवार के बयानों के आधार पर पुलिस की ओर से 174 के तहत कार्रवाई की जा रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कल शामी करीब 7 बजे मैनू सूचना मिली के जो साढ़े पुलिस डिवीजन नंबर 2 दे बैक साइड से क्वार्टर विच एक पार्किंग प्लेस बनी हुई है, उसके गड्डी के सब इंस्पैक्टर साढ़े जिन्हें भूपिंदर सिंह ने और जो CIA स्टाफ देहाती हैगा वो तैनात ने, उन्हों की गोली लगन करके जी डैथ हुई है, कार के बैठे हुए हैं और मैं तुरंत मौके पर पहुंचा और साढ़े सीनियर अफसर भी मौके पर आए और जो जाके देखा तो वो सिर में गोली लगी हुई थी और खून ना लत पत सी और जो बरीकी सारा देखा तो वो जो पिस्टल सरकारी वो तो गोली चली हुई थी और पिस्टल साफ करते समय उन्होंने को अचे चली गोली थी वो ही गड्डी के जो पिस्टल साफ करने वाला ऑयल और जो एक चिंदी होंगी है जिंद सफाई करते हैं वो भी बेची पई मिली है और जिस सीधे स्पष्ट है कि वो सफाई करद हो पिस्टल की उन्होंने को अचनचेत कि गोली चल गई है और उन्होंने सिर में चला के उन्होंने मौत हो गई है। भूपिंदर सिंह की गल करिए कि देर की उन्होंने सर्विस होगी तो कल ड्यूटी ऑफ करके जा रहे थे या ड्यूटी से आ रहे थे? भूपिंदर सिंह की करीब एज 52 के करीब हैगी है और उन्होंने 34 साल सर्विस है और वो भोगपुर के रहने वाले है और बड़े वधिया इंसान थी और मिलनसार इंसान थे और महकमे भी उन्होंने वधिया रिकॉर्ड थी और ये सैबन होया हादसा तो असी उन्होंने अब पोस्टमार्टम करवा के और उन्होंने बॉडी जी पाठशाले वाले कर रहे हैं। की कर रही अभी 174 के तहत कार्रवाई कर रहे हैं कि यह कुदरती होया उन्होंने वाइफ तलजीत कौर उन्होंने भी बयान दिता कि जरा ये सू किसी पर कोई शक हुआ नहीं है और एक सैबन अचानक होया हादसा है। इस तो पहले जो हादसा होया उसको पहले किसी दिन जानवी वैसे ही कोई गलबात उन्होंने की नहीं इदा की कोई गल नहीं नॉर्मल थे बिल्कुल और उन्होंने जेडे मुलाजम नाल दे सी वो भी जो सारे शाम को ड्यूटी ऑफ करके जान लगे तो उन्होंने देखा कि भूपिंदर सिंह की गड्डी भी उत्थे खड़ी हुई है और उन्होंने देखा कि फिर जो कोल जाके देखा तो उन्होंने देखा कि गड्डी के सीट ड्राइवर सीट के उपर ही मतलब जिमें इवें लगे कि सुते हुए है जबकि वो जो उन्होंने फिर फोन भी किया पिक नहीं किया फिर उन्होंने शक होया तो उन्होंने उन्होंने बारी खोल के देखा तो उन्होंने खून बग रहा सिर और फिर पता चलिया कि उन्होंने मौत हुई है।
जालंधर के मोहल्ला गोविंदगढ़ के एक घर में अंगीठी से निकले धुएं के कारण दम घुटने से एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं महिला के दो बच्चों और पति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महिला की पहचान काजल के तौर पर हुई है। पूरा परिवार मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है। पति विशाल पिछले 3 महीनों से मोहल्ला गोविंदगढ़ के एक घर में पत्नी और अपने दो बच्चों के साथ रह रहा था। विशाल एक निजी कॉलेज के नज़दीक फास्ट फूड की दुकान चलाता है और उसके पास 2 कर्मचारी भी काम करते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक विशाल के दुकान पर काम करता कर्मचारी घर के सामने बने मकान में ही रहता है। विशाल ने सुबह 4 बजे के करीब कर्मचारी को अपने घर बुलाया था। तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब सुबह 7 बजे कर्मचारी दोबारा घर पहुंचा तो उसने देखा कि सभी की हालत नाजुक थी और महिला की मौत हो गई थी और विशाल व बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई थी, जिसके बाद कर्मचारी ने लोगों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। गलबात ये हुई है जी, इतने नेपाली फैमिली किराए ते रहती है जी, राती किते आए ने, आम तो ठंड हैगी है, अंदर फैमिली छोटे छोटे बच्चे, 1-2.5 साल का बच्चा है, 1-8 महीने का बच्चा है। ਰਾਤੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗੀਠੀ ਅੰਗੂਠੀ ਬਾਲੀ ਆ, ਅੰਗੀਠੀ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਚੜ ਗਈ ਆ ਪੂਰੀ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਬਚ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਲੇਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚਾਰ ਵਰਕਰ, ਇਹ 2-4 ਭਰਾ ਜਾਂ ਫੈਮਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਕੋਈ 2 ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ 2 ਮਕਾਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਬਸ ਉੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਪ ਪਾਈ। ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਲ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ, ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਮਲ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੋ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਨਵੀਂ ਬਾਰਾਦਰੀ ਤੋਂ। ਸਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅੱਜ? ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ ਥਾਣੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਜਲ ਨਾਮ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਪ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲੇ ਲਾ ਲਏ, ਮਿੱਠੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਬੰਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਠ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਚਦੀ ਪਈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਭੱਠੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਡੀ ਆਪਾਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ 176 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। पाकिस्तानी सीमा खालड़ा से कुछ दूरी पर स्थित सीमावर्ती गांव ढल में बीएसएफ और थाना खालड़ा की पुलिस की ओर से सर्च ऑपरेशन के दौरान खेतों में से 515 ग्राम हेरोइन सहित ड्रोन बरामद किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सब डिवीजन भिकीविंड के डिप्टी सुप्रीडेंट प्रीत इंद्र सिंह ने बताया कि बीएसएफ की 103 बटालियन अमरकोट के जवानों ने ड्रोन की आवाज़ सुनाई देने पर पुलिस थाना खालड़ा के साथ संयुक्त तौर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान बीओपी धर्म सिंह के नजदीक किसान रणजोत सिंह निवासी गांव ढल के खेतों में से चीन का बना ड्रोन, डीजी मैट्रिस और 515 ग्राम हेरोइन सहित पैकेट बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोषियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, ताकि समाज विरोधी तत्वों की देश विरोधी कार्रवाई पर नकेल कसी जा सके। भिकीविंड से हलचल के लिए भूपिंदर सिंह की रिपोर्ट। पंजाब पुलिस ते बीएसएफ दी सांझी वालता नू अज एक होर सफलता प्राप्त हुई, जदों के रणजोत सिंह सन ऑफ लखविंदर सिंह जिहड़े डल दे रहण वाले ने, इन्हां दे खेत कणक दे विचों इनफॉर्मेशन दे उत्ते ते सर्च ऑपरेशन दौरान एक ड्रोन बरामद होया, जिहदे नाल एक पीले रंग दा लपेटिया होया पैकेट सी। जदों खोल के चैक कीता ते इहदे विच हेरोइन रिकवर हुई, जिहड़ा कि पैकिंग मटीरियल दे नाल 515 ग्राम सी। इस संबंधी थाना जिहड़ा खालड़ा विखे FIR नंबर 5 अंडर सैक्शन 10-11-12 एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 ते 21C NDPS एक्ट का केस रजिस्टर कर लिया। वेखो जिन्नी मर्जी कोशिश कर लैन पाकिस्तान च बैठे समगलर, इधर बैठे समगलर, BSF ते पंजाब पुलिस की सांझी बालता का नतीजा है कि असी समगलरां दीआं कोझीआं चालां नूं सफल नहीं होण दे रहे। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਬੀਤਿਆ, ਉਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ BSF ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 55 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਨ ਸਿਰਫ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ।
जालंधर के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह की ओर से सभी स्टाफ व उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। तो वहीं सिविल अस्पताल पहुंचे डॉक्टर बलबीर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंजाब सरकार का मुख्य मकसद जनता को सभी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देना है। उन्होंने कहा कि जो स्टाफ की कमी या दवाइयों की कमी का मुद्दा उठता है वह जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि दवाइयों की कमियों को लेकर टेंडर लगा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जालंधर, लुधियाना, कपूरथला व अन्य शहरों में कोई भी अस्पताल हो वहां हर तरह की सुविधा जनता को मिलेगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। इस तो पहला जी कपूरथला सिविल हॉस्पिटल हूँ जो इतने हैगा, इतने सारे जिन्हें भी अपने स्टेक होल्डर है जी, चाहे अपने जिन्हें डॉक्टर्स है उन्होंने नाल और जोड़े साढ़े चुने प्रतिनिधि है साढ़े, मेरे ख्याल जो जलंधर तो मैक्सीम नंबर ऑफ जो मैंबर ऑफ पार्लीमेंट चार है जी, तो बाकी जो एम एल ए साहबान और जिन्हें भी अपने लोगों के पदवंते सज्जन है उन्होंने सारे ना विचार वटांदरा करके जोड़ा साडा पंजाब का सब तो व्डा सिविल अस्पताल है जी, 500+ बैड्स है इतने। तो साडे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो सेहत क्रांति का जोड़ा बीड़ा चुकया है वह जिमें प्राइमरी केयर के देख रहे हो कि आम आदमी क्लीनिक 664 ऑलरेडी खुल चुके हैं, 100 होर तैयार है जी, वह 86 लाख तो ज़्यादा लोग बेनीफिट लै चुके हैं। इस तरह योगा दी क्लासेस जिहड़ियां साडियां रेगुलर चल रही है जी। हुण जिहड़ा साडा सेकेंडरी केयर ते साडा सारा एम्फसिस हैगा कि 15 फरवरी तक साडा टारगेट है जी, साडे कोल 250 तो बाद दवाइया हो जाणगियां, पर सारिया दवाइया पेशेंट नूं हस्पतालां चों मिल रही, बाहर दवाई पर्ची लिख के नहीं देनी कि बाहरों लैके आओ। और इस तरह सारे टैसट जोड़े है इनकलूडिंग अल्ट्रासाउंड एक्सरे सारे हस्पतालों के होगा और थोड़े इतने CT MRI की फैसिलिटी भी हैगी है, सारे च नहीं आ जाओ। CT साढ़े सारे डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर से होगा लेकिन MRI जो 6 सेंटर है उन्होंने हैगी है, वो भी असं बाकिया इंट्रोड्यूस करा। तो ये संबंधित जोड़ा कोई बिल्डिंग की होर आप है जी, HR की जड़िया कमियां पेशियां है जे कि कोई इक्विपमेंट की लड़ है वो सारा कंप्रीहेंसिव रिव्यू करके और जो एग्जिस्टिंग साढ़े को मैन पावर है वो ऑप्टीमम यूटिलाइजेशन किस तरह करनी है, ये सारी प्लानिंग जी है मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके सारे कर चुके हैं जी। जालंधर सेंट्रल से विधायक रमन अरोड़ा के अशोक नगर स्थित घर में दोपहर को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की बहन मनप्रीत कौर पति सरदार त्रिलोक सिंह के साथ पहुंची। इस दौरान विधायक रमन अरोड़ा के पारिवारिक सदस्य राजकुमार अरोड़ा, राजू मदान, गीता अरोड़ा, ऊर्जा मदान, साक्षी अरोड़ा, राजन अरोड़ा, राधिका मदान, गौरव मदान व सुरेंद्र खन्ना ने मनप्रीत कौर और उनके पति सरदार त्रिलोक सिंह का भव्य स्वागत करते हुए फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की बहन मनप्रीत कौर ने कहा कि अरोड़ा परिवार के साथ उनका पारिवारिक संबंध है और वे अपने पति के साथ अरोड़ा परिवार के घर अशोकनगर में उनके निवास स्थान पर नववर्ष व लोहड़ी माघी की बधाई देने आई है। मनप्रीत कौर ने कहा कि विधायक रमन अरोड़ा के घर पर उनकी तीसरी निजी फेरी है। मनप्रीत कौर के पति त्रिलोक सिंह ने कहा कि विधायक रमन अरोड़ा एक अच्छे इंसान है, वह हमेशा सभी के दुख सुख में शामिल होते हैं। इस मौके पर आप वॉलंटियर दीनानाथ प्रधान, बलबीर सिंह बिट्टू, दीपक कुमार, निखिल अरोड़ा, हनी भाटिया, शमशेर सिंह खैरा, प्रवीण पहलवान, अमरदीप संदल, लगनदीप सिंह, हैप्पी वडिंग, गौरव अरोड़ा, राहुल भारी, महेश मखीजा, बिट्टू बजाज, अनुकरण नंद, शिवम मदान भी उपस्थित रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। अमृतसर स्थित दैनिक सवेरा कार्यालय में दैनिक सवेरा अखबार की 12वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर स्टाफ की ओर से केक काटकर दैनिक सवेरा अखबार की 12वें वर्ष की सफलता पर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया गया। इस अवसर पर अमृतसर कार्यालय के ब्यूरो चीफ संजय गर्ग, डिप्टी ब्यूरो चीफ अजय डुडेजा, सुनील खोसला, मार्केटिंग हेड महेश ठाकुर, ब्रजेश पांडे, आशीष शर्मा, विराज चोपड़ा और स्मूथ स्टाफ मौजूद रहा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज 11 जनवरी 2024 दैनिक सवेरा लिए एक स्वर्णिम दिन है, इतिहास वाला दिन है, यादगार वाला दिन है। अज तो 12 साल पहले पूज्य बाबू जी श्री शीतल बीर जी के नेतृत्व के विच पंजाब की धरती के उत्ते एक नवे अखबार प्रकाशन समूह ने कदम रखा जिहदा नाम सी दैनिक सवेरा। 11 जनवरी 2012 नूं बाबू जी के मार्गदर्शन के विच पंजाब के विच शुरू होया दैनिक सवेरा दा छोटा पौधा अज 12 सालां दे विच वट वृक्ष बन गया। इहदी छाया पंजाब ही नहीं, पंजाब दे बाहर हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश,
दिल्ली ते होर कई सूबे प्रकाशन हो रहा है। और सब तो वड्डी गल है ये है कि थोड़े दिन पहला कुछ महीने पहला बाऊ जी के नेतृत्व में इंग्लिश अखबार भी शुरू होया है और वह भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे जा रहा है। तो अज इस पावन दिन पर मैं बाऊ जी के बिहाब से अमृतसर के पूरे स्टाफ नूं बहुत बहुत वधाई देना ते बाऊ जी के आशीर्वाद नाल यह अखबार अगे भी बुलंदियों नूं छूंदा रहेगा। ये साड़ियां शुभकामनावां हैं पूरे शहर वासियों नूं बहुत बहुत वधाई। और उन्हां तों एक मेरी अपील भी है, एक अनुरोध भी है कि जिस तरह 12 सालां दे विच तुसीं दैना इक सवेरा दी उन्नति दे विच सहयोग दित्ता है ते मैं आस करदा कि आने वाले समय दे विच तुहाडे सहयोग नाल इह दैनिक सवेरा होर अगे तरक्की और अग्रसर होएगा ते बुलंदियों नूं छुएगा। जय श्री राम। मैं अजय डुडेजा डिप्टी ब्यूरो चीफ दैनिक सवेरा। मैं बड़े हर्ष नाल कहना अज साडे अखबार नूं चालू होया 12 साल हो गए हैं। श्री शीतल विज जी की छत्र छाया दे विच 1500 विकण वाला अखबार अज अमृतसर दे विच 39,000 प्रतियां वेचदा है। ये नाल ही मैं बड़े हर्ष और लास नाल कह रहा कि सही इंग्लिश का दैनिक सवेरा टाइम भी शुरू कर दिता वै जिदियाँ 8,000 प्रतियां रोज दी साडे विक रही हैं। मैं अपने सारे पाठकों नूं अपने अज अखबार की बधाई देना वा तो अपनी वर्षगांठ की सबनों कहना वा कि अपने आप को तंदुरुस्त रखो। सर्दी बड़ी है, घरों बाहर साफ ना निकलो, अपने आप बचा के रखो ताकि तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद। माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नज़दीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में माँ बंगलामुखी जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में माँ बंगलामुखी धाम के संचालक एवं संस्थापक नवजीत भारद्वाज की देखरेख में हुआ। सर्वप्रथम मुख्य यजमान दीप्ति कौशल से वैदिक रीति अनुसार गौरी गणेश नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार कलश पूजन उपरांत ब्राह्मणों ने आए हुए सभी भक्तों से माँ बंगलामुखी जी के निमित्त मालह मंत्र जाप एवं हवन यज्ञ में विशेष रूप से आहूतियां डलवाई। तो वहीं हवन यज्ञ की पूर्ण आहूति के उपरांत नवजीत भारद्वाज ने आए हुए सभी मां भक्तों को सुमधुर स्वर में भजन का गायन करके निहाल किया। वहीं उन्होंने कहा कि राम नाम का जप किए बिना जो लोग मोक्ष की आशा करते हैं अथवा धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी चारों परमार्थों को प्राप्त करने की सोच रखते हैं वे मानो बरसते हुए बादलों की बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ जाना चाहते हैं। अर्थात जिस प्रकार पानी की बूंदों को पकड़कर कोई भी आकाश में नहीं चढ़ सकता वैसे ही राम नाम को जपे बिना कोई भी परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता। इस अवसर पर अवतार सैनी एडवोकेट राजकुमार जानू राकेश प्रभाकर रिंकू सैनी बलजिंदर सिंह अजीत कुमार केतन शर्मा अमन सुखा समीर कपूर अमरजीत सिंह चेतन मुनीश हर्ष मोंटी नवदीप उदय अजीत कुमार मुनीश शर्मा दिशांत शर्मा अमरिंद्र कुमार शर्मा मानव शर्मा शंकर हंसराज बाबा खन्ना विवेक शर्मा श्यामलाल बाबा जोशी मनदीप राजेश रविंद्र अशोक अमित विनोद खन्ना अभिलक्ष्य चुग सुनील राजीव राजन शर्मा प्रिंस ठाकुर बलदेव सिंह दिनेश शर्मा अजय मल्होत्रा विकी अजीत साहू प्रवीण दीपक अनीश शर्मा दिशांत शर्मा विजय सौरभ बलदेवराज साहिल सुनील जग्गी सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय माँ बगलामुखी जी। आज माँ बगलामुखी धाम जो कि गुलमोर सिटी च स्थित है माँ के भव्य मंदिर अज जी सप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन होंदा है वो बड़ा ही महामाई की कृपा के नाल सुचजे ढंग के नाल सारे सेवादारा के सहयोग के नाल संपन्न होया। साड़ी जगदंबा के चरणों से यही बारंबार अरदास बेनती है कि हे जगदंबा सारे दे घर परिवार से सुख शांति और जिहड़ा मेहर भरिया हाथ है महामाई वो तुहाडा रहे और कृपा तुहाडी इदां ही बरकरार रहे। हे जगदंबा किसी भी तुहाडे भगत को सेवादार को कोई पुल चुक हो तुसी माफ करनी है जगदंबा ऐदा ही तुहाडे चरणों बारंबार प्रणाम है। और ये नाल नाल मैं दसना चाहना कि माँ बगलामुखी धाम जो कि गुलमोर सिटी स्थित है माँ के भव्य मंदिर हर वीरवार को सवेरे 6:30 to 7:30 हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता दूरों दूरों संगत आके महामाई के चरणों के अरदास बेनती कर दी हैं। और एडे मौसम खराब के भी बड़ी बड़ी दूरों संगत आदि और हवन यज्ञ के शामिल होंदिया महामाई अपने भगतों के ऐसी मेहर भरिया हथ रखे और साढ़े वालों
सारे सेवादार वालों नवे साल दियां बहुत बहुत शुभकामनावां महामाई चढ़दी कला रखे जय माता दी जय माता सरबंस दानी साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाशोत्सव को समर्पित विशाल एवं भव्य नगर कीर्तन गुरुद्वारा दीवान स्थान सेंट्रल टाउन से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया व पांच प्यारों की अगुवाई में 15 जनवरी को सुबह 10 बजे निकाला जा रहा है। इस निकलने वाले नगर कीर्तन में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित करने के लिए महासचिव गुरमीत सिंह बिट्टू, परमिंदर सिंह दशमेश नगर, सुरेंद्र सिंह विरदी, निर्मल सिंह बिद्दी, हरजोत सिंह लक्की, मोहिंद्र सिंह, चरणजीत सिंह मिंटा, मक्खन सिंह, गुरजीत सिंह टक्कर, जतिंदर पाल मंडोल, प्रदीप सिंह विक्की, बाबा गाबा, जसकीरत सिंह जसी, गुरप्रीत सिंह, सिमरन भाटिया ने जालंधर स्थित दैनिक सवेरा के मुख्य कार्यालय सवेरा भवन में पहुंचकर श्री विज को निमंत्रण पत्र भेंट किया। तैयारियों संबंधी जानकारी देते हुए प्रधान मोहन सिंह ढींडसा और सचिव गुरमीत सिंह बिट्टू ने बताया कि यह नगर कीर्तन श्री गुरु सिंह सभा मोहल्ला गोविंदगढ़ से शुरू होकर एसटी कॉलेज रोड, मंडी फंटनगंज, गुरुद्वारा दीवान स्थान लवकुश चौक, फगवाड़ा गेट से होते हुए गुरुद्वारा दीवान स्थान सेंट्रल टाउन पर आकर संपन्न होगा। आयोजकों ने संगत से ठंड की परवाह किए बिना नगर कीर्तन में शामिल होने और सरबंस दानी पिता के बलिदान के लिए खुद को समर्पित करने का अनुरोध किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सरबंस दानी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्हों का प्रकाश पुरब पूरी कायनात मनाया जा रहा है, उन्हां दे प्रकाश पुरब के संबंध में जलंधर शहर दियां समूह सिंह सभावां, सेवा सुसायटियां, धार्मिक जथेबंदियां, इस्त्री कीर्तन सत्संग सभावां और निहंग सिंह जथेबंदियां, खास करके समूह साध संगत के सहयोग के नाल जो नगर कीर्तन प्रबंधक कमेटी गुरद्वारा दीवान स्थान वालों सजाए जाते हैं, वो इस बार यह नगर कीर्तन 15 जनवरी 2024 दिन सोमवार सवेरे 10 बजे गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मोहल्ला गोबिंदगढ़ तो आरंभ होणगे, जो कि पुरातन रूट तो चलते हुए शाम नूं करीब 8 बजे गुरुद्वारा दीवान स्थान सेंट्रल टाउन विखे समाप्त होणगे। सारियां संगतां दे चरणां च बेनती है, सरबंस दानी साहिब जिन्हां ने कौम लई अपना सरबंस तक वार दिता, ठंडे बुरज विच अपने बच्चियां दी, अपने माता जी दी शहीदी करवाई, उन्हां दे प्रकाश पुरब ते ठंड दी परवाह ना करदे हुए सारियां संगतां पालकी साहिब नाल जिन्ना समा वध तो वध कढ सकते हैं पालकी साहब दे नाल कीर्तन करदे आ पैदल चलन, परिवारां सहित चलन और गुरु घर दियां खुशियां प्राप्त करन। जी 15 तरीक दिन सोमवार सवेरे 10 बजे यह नगर कीर्तन पुरातन रूट ते सजाया जाएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्रसिद्ध समाज सेवक और पंथ के सेवादार अमरजीत सिंह आनंद अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर गुरु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु भोग एवं अंतिम अरदास गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा अर्बन एस्टेट फेस 2 में की गई। इस मौके पर भाई दविंदर सिंह जी खालसा खन्ना वालों ने वैराग में ही कीर्तन कर स्वर्गीय अमरजीत सिंह आनंद की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस मौके पर MLA प्रगट सिंह, XML सरबजीत सिंह मक्कड़, समाज सेवी उद्योगपति भूपेंद्र सिंह, LPU से रश्मि मित्तल, स्पेशल ओलंपिक पंजाब से अशोक अरोड़ा, अनिल गोयल, परमजीत सिंह सचदेवा, सुरेश ठाकुर, मनदीप बराड़, उमा शंकर, कुलदीप कौशल, रेखा कश्यप, पूनम चौधरी, अनिल जोशी, पंकज मारू, अंबिका कुमारी, कमलजीत कौर, बलदेव सिंह, अमनप्रीत कौर, जसजीत सिंह राय, रोहन सहगल, नेशनल अवार्डी विवेक जोशी, जिला सामाजिक भलाई ऑफिसर मनजिंदर सिंह, इंद्रदेव सिंह, हरपाल सिंह, डॉक्टर सुषमा चावला, इंदु जसवाल, बालकृष्ण मेहता, डॉक्टर दविंदर सिंह, दविंदर रहेजा, अमरजीत सिंह अमरी, मनमोहन सिंह, परविंदर सोनू, गुरविंदर सिंह, यादविंदर सिंह, परमिंदर सिंह खालसा, सुरिंदर पाल सिंह लक्की, गुरविंदर सोही, गुरबख्श सिंह जुनेजा, जगजीत सिंह गाबा, गुरमीत सिंह बिट्टू, गुरविंदर सिंह बवेजा, हरजोत सिंह, डॉक्टर परमजीत सिंह, मनप्रीत सिंह, डॉक्टर कुलदीप सिंह, अरविंदर सिंह, तेजपाल सिंह, मनीष अग्रवाल ने अमरजीत सिंह आनंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। जथेदार जगजीत सिंह गाबा ने परिवार के बड़े भाई दविंदर पाल सिंह, धर्मपत्नी उपेंद्र कौर, बेटे इशदीप सिंह और बेटी जसजीत कौर आनंद की तरफ से सभी का धन्यवाद किया।
श्रीमती कमलेश चोपड़ा अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म उठाला श्री देवी तालाब मंदिर स्थित श्री राम हाल में किया गया। इस दौरान पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय कमलेश चोपड़ा की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर डिवोशनल स्पीकर सीमा मेहता ने वैराग में संकीर्तन कर श्रीमती कमलेश चोपड़ा को श्रद्धा सुमन भेंट किए। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों में बेटी सोनाली चोपड़ा, रजनीश चोपड़ा, शिव कुमार चोपड़ा, पुष्पा चोपड़ा, अरुण कपूर, मोनिका कपूर, नविता कपूर सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जगत से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय कमलेश चोपड़ा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के सीआईए स्टाफ देहात पुलिस के कार्यालय के बाहर पार्किंग में गोली चलने से सब इंस्पेक्टर की हुई मौत। कार में बैठकर सरकारी पिस्तौल को कर रहा था साफ। जालंधर के मोहल्ला गोविंदगढ़ में अंगीठी से निकले धुएं के कारण एक महिला की हुई मौत। पति और दो बच्चों की हालत गंभीर।
बीएसएफ और थाना खालड़ा पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान 515 ग्राम हेरोइन सहित ड्रोन किया बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।